अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तूफान मेल, क्या हो गया तुम? इसे शांत कैसे बैठी हो मुंह लटका कर? सब ठीक है ना? अच्छा ये लो खाकर बताओ। खीर, ये तो मुझे पसंद है। मैं जब भी उदास होती थी तो जानकी माँ मुझे ऐसे ही खीर खिलाती थी। क्या हुआ तुलसी, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? पापा से मेरा झगड़ा हो गया, वो मेरी बात ही नहीं सुनते। पर माँ तो सुनती है ना। चलो मीठी मीठी खीर खाओ और मुंह मत फुलाओ और माँ को सारी बातें बता। क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? चलो जल्दी से खीर टेस्ट करो और बताओ कैसी बनी है। एकदम माँ के हाथ की जैसी है। इसका मतलब सुपर टेस्टी है ना? तो वेदांत को भी अच्छी लगेगी फिर तो। वही खीर वही स्वाद, मुझे पता है अब जानकी माँ ही हो। तुलसी क्या हुआ है तुमको, इतना परेशान क्यों लग रही हो मुझे? सब ठीक है ना? कहाँ कुछ ठीक है माँ। देखा ना माँ आपने, पापा मुझसे कितने नाराज हैं। उन्हें लगा कि मैंने कोई झूठी कहानी बनाई है, मैंने झूठ बोला उनसे। बस इतनी सी बात पर इतना परेशान हो गई? क्या है ना, ये जो पापा लोग होते हैं इनका गुस्सा बिल्कुल मोम की तरह होता है, फट से आया फट से चला गया। तुम टेंशन मत लो, उनका गुस्सा भी तुरंत चला जाएगा, सब ठीक हो जाएगा देखना। अभी फिलहाल तुम एक खीर एंजॉय करो, मैं बाकी सब लोगों को खीर देकर आती हूँ। माता रानी का प्रसाद है ना, तो सबको देना है, ठीक है? स्माइल बड़ी वाली। आंटी प्रसाद। थैंक यू बेटा। जया रघुवीर को प्रसाद दो ना। आंटी माता रानी की आरती दी थी, वो लेने से मना कर दिया तो मुझे लगा शायद प्रसाद में भी इंटरेस्ट नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें सिर्फ मुंह लटका के बैठने का शौक होता है। मैं मुंह फुला के नहीं बैठा हूँ, और बेहतर होगा कि आप उत्कर्ष और वेदांत पे ध्यान दें। मुझे तो जिस पे ध्यान देना है मैं दे रही हूँ, लेकिन शायद आपको ही नहीं पता कि आपको किस पे ध्यान देना है। एक छोटी सी बच्ची भी है इस घर में जो बेचारी परेशान बैठी है, आपको उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। Thanks for the advice. आप हमारे घर में मेहमान हैं तो मेहमान बन के रहिए, हमारे घर के मामलों में दखल ना दीजिए। क्या मैं मेहमान हूँ? Are you kidding me? बिल्कुल नहीं। आंटी आपने मुझसे कहा था ना इस घर में रुकने के लिए, और मैं इस घर में आपकी मेहमान बनकर नहीं आई हूँ, माता रानी की भक्त बनकर आई हूँ। और वो छोटी बच्ची, शायद आप भूल रहे हैं छोटी बच्चियाँ भी माता रानी का ही रूप होती हैं। उसको दुखी देखा तो बोल दिया बस, बाकी आपको यू एंग्री यंग मैन बनके बैठने का शौक है तो प्लीज कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट।
मैं और लोगों को दे आती हूँ आंटी। ये मम्मी पापा तो एकदम बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। हे माता रानी, ये ऐसे लड़ते हुए अच्छे नहीं दिखते, इन्हें एक साथ ला दो प्लीज। प्रसाद है। छोड़ेगी नहीं मैं तेरे को, अपने आप को बहुत परेशानी समझती है ना। अभी जब तक मैं तेरे को खत्म नहीं करेगी, चैन से नहीं बैठेगी। शेठ तो बड़ी सटन की तरह जा रहे हैं। बड़ी सटन ने अगर इनको ऐसी हालत में देख लिया तो फिर वो परेशान हो जाएगी। रघु सेठ अगर पूजा पड़ने वाली जगह पर पहुंच गए ना तो सब अशुद्ध हो जाएगा रे। माँ कहती है गौमूत्र से सब शुद्ध हो जाता है। हम गौमूत्र से पापा की शुद्धि करेंगे है? और उससे पापा से आ रही शराब की बदबू भी कम हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है तुलसी? वो बड़ी सिटानी, मैं गौमूत्र का कलश साइड में रख रही थी ना तो वो सेठ से टकरा कर गिर गया। सॉरी बड़ी सिटानी। तू भी ना लड़की, ध्यान से काम किया करना। तू यहाँ क्या खड़ा है? जा जाके नहा ले। चल। अरे हम तुलसी दूर रहो मुझसे। हाँ बाबा जा रही हूँ, पहले आप जाओ और अच्छे से नहा के आओ। चलो चलो पहले नहाने जाओ। चलो सेठ चलो। सेठ आप तो इतने समझदार है ना, आप ऐसी हरकत करेंगे? उम्मीद नहीं थी मुझे। नवरात्र के दिन आपने शराब पी ली। अरे मैं चाय पीऊँ, जूस पीऊँ, शराब पीऊँ, तुम्हें क्या पता? मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी बेटी माना और तुमने हमेशा मुझे झूठ बोला, मेरा दिल तोड़ा तुमने। मैं कैसे समझाऊँ आपको पापा कि मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया? मैंने जो किया आपको उस माला से शादी रुकने के लिए किया। अरे तुम अभी भी यहाँ खड़ी हो, बोला तुम्हें जाओ यहाँ से। ठीक है मैं चले जाऊंगी, लेकिन पहले आप सो जाओ। चलो। नहीं सोना मुझे। अगर आप शराब के नशे में बाहर चले गए तो आपको जम के डांट पड़ेगी और वो भी दादी से। चलो। दादी? तुम्हारी दादी नहीं है वो। ऑर्डर करना बंद करो। तुम लगती कौन हो मेरी?
बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि मैं आपकी क्या लगती हूँ। आपकी बेटी हूँ पापा, आपकी असली वृंदा। लगानी पड़ेगी। होटेशानी है ये जया, इसके सामने मेरे को सती सावित्री बन के रहना ही पड़ेगा, वरना उसको मेरे पे शक हो जाएगा। अच्छा खासा फेरे लेने वाली थी मैं रघुवीर के साथ, नक्ते आके टपक पड़ी है जानकी। और उसको लाने वाली वो कौन? विद्युत तुलसी। तेरा झूठ तो मैं सबके सामने ले आई है तुलसी, अब मैं तेरा खेल खत्म करेगी और ऐसा जहर खोलेगी ना रघुवीर के दिल में तेरे लिए कि तेरी ना सकल तक नहीं देखेगा वो। और रही बात उस जया की, उसका टिकट तुम्हें 9 दिन में कटाएगी, रहने नहीं देगी इस घर में। तेरा प्लान फेल करने चलनी है दोनों की, दोनों कुछ नहीं कर पाओगी। राकेश, माला को भी यही लगता है कि वो जानकी भाभी नहीं है, जया ही है। इससे भी शर्त लगाओ क्या? नहीं 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 नहीं, उर्मिला इससे गलत फहमी में रह रहा तो इसकी गलत फहमी का हम फायदा उठाएंगे और तुलसी के साथ मिलकर किसी भी हालत में जानकी भाभी को इस घर में रोक कर रखेंगे। अरे तुलसी, विदान के लिए चॉकलेट मिल्कशेक बना रही हूँ। नहीं, मुझे ना पापा के हाथ पे चोट लगी है, उस पे लेप लगाना है। क्या बात है तुलसी, बड़ी टैलेंटेड हो, इतनी छोटी सी और लेप बनाना आता है। नहीं, मुझे लेप बनाना नहीं आता, आप मेरी हेल्प करोगी? बिल्कुल करूंगी। एक काम करते हैं, हल्दी वाला लेप बनाते हैं, उससे घाव जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम हल्दी लेकर आओ। जानकी माँ, आप लगा दो ना। नहीं तुलसी, मैं कैसे? डॉक्टर की तरह आपने लेप बनाया तो पापा को मरीज समझ के उन्हें लगा भी दो प्लीज। ठीक है, तुम भी ना। पापा को मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। जानकी माँ के आने से ही पापा की खुशी लौट सकती है, कोई तो तरीका सोचना होगा माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए।
जया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तुलसी, उसने मुझसे कहा कि उसकी लेप बनाने में हेल्प कर दूं। लेप बहुत गर्म था ना, तो मैंने सोचा मैं खुद ही लगा देती हूँ। उसके हाथ जल रहे थे। इधर आओ। ये तुलसी की बात सुनना बंद करो प्लीज। ये बच्ची जो बोलेगी वही करती रहोगी क्या तुम? उत्कर्ष, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? देखो जया, तुम्हारी जिद की वजह से इस अनजान घर में रहने को तैयार हुआ हूं मैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस फैमिली के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही हो? देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री। और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।